कांग्रेस ने संविधान के आर्टिकल 124(4) के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जो नोटिस ऑफ मोशन फॉर रिमूवल दिया था, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन ने उसको खारिज कर दिया। मैं इसका स्वागत करता हूं। उपराष्ट्रपति ने उसको ठीक ही खारिज किया क्योंकि कांग्रेस का जो आरोप पत्र था वो निराधार और बेबुनियाद था। कांग्रेस सभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है। अब वो कांग्रेस संविधान बचाओ दिवस की बात कर रही है जिस कांग्रेस ने 1975 के अंदर सारी संविधान संस्थाओं को धता बताकर लोकतंत्र की हत्या कर देश के अंदर आपातकाल इमरजेंसी लागू कर दिया था। वो कांग्रेस जब चुनावों के अंदर हारती है लगातार, 20 राज्य उसके हाथ से जब निकल जाते हैं, तब वो कांग्रेस संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हमला करती है और कहती है ईवीएम ठीक नहीं है। पर जब गोरखपुर और दूसरी जगह वो जीत जाती है तब वो ईवीएम की बात करना भूल जाती है। उस कांग्रेस को तब याद नहीं आती है कॉन्स्टिट्यूशन की जब वो संविधान सम्मत संसद के अंदर बहुमत ना होने के बावजूद संसद को ठप करती है और स्पीकर और चेयरमैन पर अटैक करती है। यही कांग्रेस संवैधानिक संस्था जुडिशरी के ऊपर भी हमला करती है जब निर्णय उसके मन मुताबिक नहीं आते। तो कांग्रेस को संविधान बचाओ की बात करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ इसीलिए मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ यह मुद्दा उठाया क्योंकि कांग्रेस देख रही है कि मोदी सरकार ने 4 साल के अंदर जो विकास के काम किए उससे ध्यान बटाने के लिए मोदी जी की जो विकास यात्रा है उसको रोकने के लिए कांग्रेस इस तरह के मोशन इस तरह के नोटिस लेकर आ रही है। मैं समझता हूं उपराष्ट्रपति ने संवैधानिक विशेषज्ञों से लीगल एक्सपर्ट से पुराने जो सेक्रेटरी जनरल्स हैं उनके साथ लॉ कमीशन के मेंबर्स के साथ इन सब सदस्यों से बात करने के बाद एक संविधान सम्मत फैसला किया है जिनका अधिकार उनको जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 सेक्शन 3(1)(b) के अंतर्गत दिया गया है कि वो इस नोटिस ऑफ मोशन को रिजेक्ट कर सकें या एक्सेप्ट कर सकें। अब कांग्रेस उनके दिए फैसले पर भी सवाल उठा रही है और उसी सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रही है जिस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के ऊपर वो हमला कर रही है। मैं समझता हूं कांग्रेस एक विचित्र स्थिति देश के अंदर पैदा कर रही है कि न्यायपालिकाओं का अपमान हो, आम जनता का जो न्यायपालिका में विश्वास है वो टूटे, इसीलिए उनके नेता और प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल इस बात को कहते हैं और न्यायपालिका की अवमानना करते हैं कि मैं चीफ जस्टिस की अदालत के अंदर नहीं जाऊंगा। वो नए जो वकील हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं मैं पूछना चाहता हूं। और इसी तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का कांग्रेस अपमान करती रही तो इसका मतलब हुआ कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाने के बाद कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल खड़ा हुआ था उससे कुछ भी नहीं सीखा है। इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां इस तरह के जो कदम उठा रही है उनको देश हित में ये नहीं करना चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए।